कोलकाता से लेकर मुंबई तक बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर बिटिया की हत्या को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, क्राइम सीन को आखिर सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? संदीप घोष को इतनी जल्दी किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर ज्वाइनिंग क्यों कराई गई? पुलिस की जानकारी के बिना 7,000 लोगों ने कैसे अस्पताल पर हमला बोल दिया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब दे पाना ममता सरकार के लिए आसान नहीं होगा। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे का बदलापुर भी दो बच्चियों के साथ दरिंदगी पर आज उबल पड़ा। यहां क्राइम अस्पताल की बजाय शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल में हुआ। लीपा पोती की वैसी ही कोशिश हुई, उसके बाद रेलवे से हाईवे तक क्या कुछ हुआ सड़कों पर, देखिए इस रिपोर्ट में। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी, ठाणे में हंगामा भारी। वो मांग कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर सर, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। गृह मंत्री आएगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप देख सकते हैं लोगों के बीच काफी ज्यादा नाराजगी है इस वक्त रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए औरत है, यहाँ पे सब प्रेग्नेंट औरत है, उन पे ये लोग लाठीचार्ज करना चाहते हैं। हाँ, किसी को कुछ हो गया कौन जवाबदारी लेगा उसका? हाँ, लोगों का आरोप है कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की जा रही है, यहाँ पर लोग इस वक्त रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए। मैडम, आप एक महिला है, आप बताइए। पब्लिक की डिमांड पहुंचती है का ज्यांच्या पर्यंत आम्हाला पोहोचवायचे? मंत्री साहब आहेत कुठे? मंत्री साहब बताइए। इधर पहले हम आदर्श शाले में गए थे, उधर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हो गया, ठीक है। बाद में हम लोग इधर आए, उधर से हमको न्याय नहीं मिला, हम इधर बैठे, फिर इधर भी हम लोग को लाठीचार्ज करने का। ये लाइव है, आप सबसे पहले पुलिस ने शुरुआत किया है, सबसे पहले पुलिस ने शुरुआत किया। सड़क पर हंगामा, लाठी चार्ज और आंसू गैस के चले गोले। सभी कायदे निकालो, जिधर ऐसा कांड होता है उधर ही फांसी लगा दो। ये हमारे भाई, जिधर ऐसा कांड होता है उधर ही फांसी लगा दो, क्योंकि आगे ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए, चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो कुछ भी हो, उधर ही फांसी लगा दो तुरंत। विद्या के मंदिर में राक्षस वाला काम, स्कूल पर अटैक। आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, जस्ट अभी आया हूँ, लेकिन जो भी है सही कर रहे हैं लोग, जो भी है फांसी होना चाहिए उसको, उसके अलावा कोई हिलेगा नहीं इधर से, फांसी होना चाहिए उसको। ये नेता लोग कोई आ रहे नहीं है, तो हमारी यही है कि जो है अभी जो आरोपी उसको जगह पे फांसी दे दो, जैसे कोई हालेगा नहीं। पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया तो बच्चे लोग भी आक्रामक है। बदलापुर आज समझ जाएगा इस दुनिया को क्या है, आज बदलापुर समझ जाएगा। जो भी है वो शांतता में होने दो, जो भी न्याय न्याय है मुख्यमंत्री साहब को बोलो। मुख्यमंत्री साहब आनंद दीघे के चेले हैं, तो आनंद दीघे ने एक घंटे में फांसी दिया था, तो वैसे अभी उनको मुख्यमंत्री हमने जनता ने बनाया, तो उन्होंने उनका न्याय देना मांगता है। महाराष्ट्र के बदलापुर में रेलवे ट्रैक पर लोग क्यों उतरे? रेलवे ट्रैक से सड़क तक कितना बवाल और हंगामा क्यों मचा हुआ है? न किसी पार्टी का झंडा, न बैनर पोस्टर, फिर बदलापुर क्यों ठप है? तो इसके पीछे ये स्कूल है, नाम है आदर्श विद्या प्रसारक संस्था, और इस स्कूल में ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण बदलापुर देश का मुद्दा बन गया है। बदलापुर ही नहीं, देश के किसी भी राज्य के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप को डरा दिया है। बात आपके और हमारे बच्चे की सुरक्षा की है, बात बच्चों के भविष्य की है, तो लोगों ने खुद मोर्चा संभाल लिया और मैदान पर उतर गए ताकि फिर ऐसी घटना किसी दूसरे स्कूल में ना हो। 1500 रुपए देंगे, करेंगे क्या अगर हमारी बहन ही जिंदा नहीं है? तो बहनों के साथ ये सब हो रहा है, कोई भी आगे नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रशासन इधर नाकाम हो चुका है। प्रशासन को पूरा काम करना चाहिए था, डीसीपी नहीं चाहिए हमको, आईएएस ऑफिसर चाहिए, क्योंकि ये पोस्को का कायदा है। पोस्को के कायदे के लिए आईएएस ऑफिसर इधर खुद खड़ा होकर एक्शन लेना चाहिए था कि क्या एक्शन हो रहा है, ये विषय पे बात हो रही नहीं है। और लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा है कि बदलापुर के आदर्श विद्या प्रसारक संस्था स्कूल में दो बच्चियों के साथ हैवानियत हुई है, और इसे अंजाम दिया है स्कूल के एक स्टाफ ने, और जैसे ही पेरेंट्स को इसकी जानकारी मिली उनका गुस्सा रेलवे ट्रैक से लेकर सड़क तक पर फूट पड़ा।
मैं जो स्कूल में पढ़ता हूँ, जहाँ से आदर्श स्कूल में मैं पढ़ता था, अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई भी घटना हुई नहीं है। ये पहली बार जो हुआ है, ये जो चार साल का वगैरह, इससे पहले हुए रहेंगे। जो आरोपी है उसमें, जो उसका उम्र 24 या 25 साल है, वो आरोपी बोलते हैं कि लोगों से मैंने सुना है कि वो आरोपी के ऊपर पहले भी पोक्सो अंतर्गत बहुत सारे गुनाह है उसके ऊपर। तो ऐसे आदमी को उन्होंने स्कूल में रखना ही नहीं चाहिए। प्रसारक जो संस्था है उनकी, उन्होंने अपने स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नहीं बिठाया। अब कभी भी मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी है, सब कुछ होने के बाद इनको याद आता है सीसीटीवी बिठाओ, ऐसा क्यों? जो आक्रोश है ये जनता का पूरी सिस्टम के लिए है। पुलिस प्रशासन है, हॉस्पिटल है, और उसके बाद अभी भी जो चल रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर जो जोर जबरदस्ती चल रही है वो भी सही नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम है, उसके लिए जनता भी रेलवे ट्रैक पे आई है। विरोध में हजारों लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और अंबरनाथ से करजत जाने वाली रेल सेवा ठप हो गई। लोगों की एक ही मांग थी, आरोपी को फांसी दी जाए। पुलिस वाले भी पहुंचे, रेलवे के अधिकारी भी पहुंचे, एसपी डीएम भी रेलवे ट्रैक को खाली कराने आए, प्रदर्शनकारी नहीं माने, ऊपर से लाठी चार्ज कर ट्रैक को खाली कराने का आदेश आया। लेकिन इसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पहले प्रदर्शनकारी डिफेंसिव थे, लेकिन पथराव शुरू होते ही पुलिसकर्मियों को डिफेंसिव होना पड़ा और वहां से भागना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रशासन इधर नाकाम हो चुका है। प्रशासन को पूरा काम करना चाहिए था। डीसीपी नहीं चाहिए हमको, आईएएस ऑफिसर चाहिए, क्योंकि ये पोस्को का कायदा है। पोस्को के कायदे के लिए आईएएस ऑफिसर इधर खुद खड़ा होकर एक्शन लेना चाहिए था कि क्या एक्शन हो रहा है। ये इस विषय पे बात हो रही नहीं है। उधर बदलापुर के कुलगांव में प्रदर्शनकारियों ने स्कूल को घेर लिया। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्कूल के गेट को तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल हो गए। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। स्कूल में जो भी मिला, पहले प्रदर्शनकारियों ने उसे पीटा, इसके बाद स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। सड़क पर घमासान छिड़ गया। बदलापुर के आदर्श विद्या स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप है। दोनों बच्चियां स्कूल में नर्सरी में पढ़ाई करती हैं। दोनों बच्चियों की उम्र 4 साल बताई जा रही है और यौन शोषण का पूरा मामला 12 और 13 अगस्त का है। बच्चों के साथ यौन शोषण स्कूल में किया गया और यौन शोषण का आरोपी कोई बाहरी नहीं बल्कि स्कूल का ही स्टाफ है। आरोपी अक्षय सिंधे स्कूल में क्लीनर का काम करता था। 1 अगस्त को स्कूल प्रशासन उसे कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था, लेकिन ज्वाइनिंग के साथ ही उसकी गंदी नजर यहां पढ़ने वाली बच्चियों पर पड़ गई। इसका खुलासा तब हुआ जब बच्ची ने पूरी बात अपने पेरेंट्स को बताई। इसके बाद पीड़ित पेरेंट्स ने दूसरे पेरेंट्स से संपर्क किया, तब जाकर इसका खुलासा हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रशासन इधर नाकाम हो चुका है। प्रशासन को पूरा काम करना चाहिए था। डीसीपी नहीं चाहिए हमको, आईएएस ऑफिसर चाहिए, क्योंकि ये पोस्को का कायदा है। पोस्को के कायदे के लिए आईएएस ऑफिसर इधर खुद खड़ा होकर एक्शन लेना चाहिए था कि क्या एक्शन हो रहा है। ये इस विषय पे बात हो रही नहीं है। देखो, बदलापुर में ये सेकेंड टाइम हुआ है जहाँ पे पुलिस का कुछ भी एक्शन हुआ नहीं है। पुलिस ने आफ्टर 12 आवर्स ये कंप्लेंट दर्ज किया है। 2 लड़कियों का रेप हुआ है एक ही स्कूल में। स्कूल का नाम भी है आदर्श स्कूल। या तो आरोपी को हमारे हवाले दे देवे या तो फिर फांसी का उसको दे देने का, बस दो ही मांगे हमारा। उनको तो फांसी होना ही चाहिए। जो भी कहे अच्छे नहीं किया, 4 साल की बच्ची, उसके दांत भी नहीं गिर गया अभी तक, उसके बारे में ऐसा किया है तो उसको फांसी होनी चाहिए। लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर सबसे ज्यादा है। आरोप है कि स्थानीय पुलिस 12 घंटे तक एफआईआर दर्ज करने में टाल मटोल करती रही।
मासूम बच्चियों से दरिंदगी के खिलाफ बदलापुर बंद के दौरान रेलवे ट्रैक पर बैठे लोगों को मनाने के लिए देर शाम महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं हुए। अगर पुलिस सही टाइम पर एक्शन लेती तो पेरेंट्स को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। अगर स्कूल प्रशासन सतर्क रहता तो लोगों का गुस्सा नहीं भड़कता। पुलिस वालों ने FIR दर्ज करने में देरी की तो स्कूल प्रशासन की तरफ से पूरी घटना पर माफी मांगने में भी देरी की गई, जिसके कारण लोग उग्र हो गए। लेकिन जैसे ही लोग सड़क पर उतरे, मामले ने सियासी रुख ले लिया। सरकार एक्शन में आ गई। स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर, स्कूल की नैनी यानी महिला अटेंडेंट और कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी को सस्पेंड कर दिया गया है। FIR में देरी पर एक्शन तो पुलिस वालों पर भी हुआ है। 13 से 16 तक का इंसिडेंट है और 18 को इसका FIR उनके जो पालक है उन्होंने किया था, तो इसमें भी 12 घंटे का जो गैप हुआ था, वो 12 घंटे उसके बारे में वहाँ के जो PI है उनको भी ट्रांसफर किया गया है। बहुत ही ये बुरी घटना है। इसमें जो उनके क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है और जो असिस्टेंट है, सबको निलंबित किया गया है। शाला को नोटिस दी गई हुई है और इसके साथ ही मैंने पूरे डिपार्टमेंट को आज यहाँ पे बुलाया है। मेरे डिपार्टमेंट के 4 IAS ऑफिसर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब यहीं पे मौजूद है। हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बदलापुर में छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण का ये दूसरा मामला है और बदमाश फिर आगे किसी बच्ची को अपना शिकार न बना सके, इसके लिए पेरेंट्स और आम लोग सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक मोर्चा संभाले हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन में है। उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी एक्टिव है। पूरे मामले को CMO देख रहा है। IG रैंक के अधिकारी आरती सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहां पर जिस प्रकार से दो बच्चियों के साथ वहां के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक SIT का निर्माण किया है। IG लेवल की महिला अधिकारी को SIT का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव है। चुनाव की तारीखों का किसी भी समय ऐलान हो सकता है। इससे पहले ही सियासत शुरू हो गई है। हर कोई इसके जरिए वोट जोड़ने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर ऐसी परिस्थिति आ गई कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके की घटनाएं इस महाराष्ट्र के अंदर घटना शुरू हो गई है और जिस तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की तरफ से, उसमें देरी होना और उसके अंदर जो है बाद में जब पब्लिक का प्रेशर आता है तब जाके कार्रवाई होना, ये बहुत ही गलत बात है। ये कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है और जो छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार होता है वो पूरे महाराष्ट्र को एक शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना। ये पुलिस विभाग के आज कानून सुव्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। उनकी सबकी मांग है कि ये फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए, 3 महीने के भीतर में ये नराधम को फांसी हो और ऐसे आरोपी को किसी भी हालत में छुटना नहीं चाहिए, ये हमारी मांग है। पुलिस आयुक्त को हमने फोन करके पूरी परिस्थिति का जायजा लिया और वहां पे जो कानून सुव्यवस्था का बड़ा प्रश्न निर्माण हुआ है, गाड़ियां की तोड़फोड़ है, क्राउड बहुत भारी मात्रा में रस्ते पर उतर चुका है, स्कूल की तोड़फोड़ चल रही है, ये दो बालिकाओं पे जो अत्याचार हुआ था और उन्होंने जब रिपोर्ट लिखने गए थे तो वहां के पुलिस सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, महिला ऑफिसर ने 11 घंटा उसको बिठा के रखा। कार्रवाई करने के लिए वो दिरंगाई कर रहे थे क्योंकि वो एक संस्था विशिष्ट लोगों की थी, विशिष्ट विचारों से थी, सत्ताधारियों से जुड़ी थी, इसीलिए कार्रवाई के लिए वहां पे दिरंगाई की गई, समय निकाला गया और आज जो स्थिति निर्माण हुई उसके लिए ये पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार है, इसको तुरंत सस्पेंड करे। बदलापुर जैसा कांड फिर न हो, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार योगी मॉडल अपनाने की तैयारी में है। यानी जनता को परेशान करने वाला कोई भी सरकारी अधिकारी या विभाग क्यों न हो,
उस पर एक्शन तय है।